नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे डबल हुक जॉइंट के बारे में। जो डबल हुक जॉइंट है वो कैसे काम करता है, उसका यूज़ हम क्यों करते हैं। देखिए, हमने पहले बात की, एक होती है हमारे पास ड्राइविंग शाफ्ट होती है और एक होती है हमारे पास ड्रीवन शाफ्ट, जिसको हम ड्राइविंग शाफ्ट से घुमाते हैं। लेकिन इन दोनों की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, यानी कि ड्राइविंग की अलग होती है, ड्रीवन की चेंज होती रहती है जगह जगह। कई जगह मैक्सिमम होती है, कई जगह मिनिमम होती है, कई जगह ड्राइविंग को वो बिल्कुल सेम होती है। तो इस तरह की अगर वेलोसिटी चेंज होती है, इस तरह की अगर हम कांस्टेंट बनाना चाहें ड्राइविंग की भी और ड्रीवन की भी, कि कांस्टेंट वेलोसिटी ही सप्लाई हो जो ड्राइविंग करे ड्रीवन को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल हुक जॉइंट का। अब यहाँ पे दो हुक जॉइंट यूज़ किए गए हैं, ये हुक जॉइंट है, ये हुक जॉइंट है, और यहाँ पे देखिए ये है इंटरमीडिएट शाफ्ट है, यानी कि बीच की जो शाफ्ट है इसको हम इंटरमीडिएट शाफ्ट बोल देते हैं। तो ये है इंटरमीडिएट शाफ्ट, यहाँ पे ये जो है ये ड्राइविंग शाफ्ट दिखाई गई है, ये ड्राइविंग शाफ्ट है, और इसी तरह से इस इंटरमीडिएट शाफ्ट से कनेक्ट है, और इंटरमीडिएट शाफ्ट आगे इस ड्रीवन शाफ्ट से कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये कनेक्ट है ड्रीवन शाफ्ट के साथ। अब यहाँ पे देखिए ये भी एंगल अल्फा है और ये भी एंगल अल्फा है, यानी कि जो इंटरमीडिएट शाफ्ट है ये ड्राइविंग शाफ्ट के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है, और ये इंटरमीडिएट शाफ्ट ड्रीवन शाफ्ट के साथ भी अल्फा एंगल बना रही है, यानी कि इक्वल एंगल ये बना रही है। तो अब हमें क्या करना है, जो हम ड्राइविंग शाफ्ट को वेलोसिटी देंगे, इसको घुमाएंगे, वो सेम यहाँ पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे होगी। अब हम मान लेते हैं कि जो ये ड्राइविंग शाफ्ट है और जो ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है और ये जो ड्रीवन शाफ्ट है, किसी सेम टाइम के अंदर हम इसको रोटेट करते हैं। जब हम इसको रोटेट करते हैं, ड्राइविंग शाफ्ट को थीटा के थ्रू रोटेट करेंगे, और जो हमारी इंटरमीडिएट शाफ्ट है मान लीजिए उसको फाई के थ्रू रोटेट किया, और जो हमारी ड्रीवन शाफ्ट है मान लीजिए उसको गामा के थ्रू रोटेट किया। जो एंगल हैं, इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है, ये एंगल बनते हैं जब हम किसी टाइम पे ड्राइविंग शाफ्ट को रोटेट करते हैं। उसके साथ ये रोटेट होती है और ये रोटेट होती है। हम मान लेते हैं थीटा, फाई और जो गामा एंगल हैं ये वो बनाते हैं। तो ये हम पीछे डायग्राम में भी देख चुके हैं, तो पिछली जो वीडियोस हैं वो आप ज़रूर देखिएगा अगर ये आपको समझने हैं, ये जो टॉपिक आगे चल रहे हैं। अब देखिए जो शाफ्ट, इसको आप शाफ्ट ए बोल दीजिए, इसको शाफ्ट बी बोल दीजिए, और इसको शाफ्ट सी बोल दीजिए। अब शाफ्ट जो ए है और जो बी है, शाफ्ट ए के लिए और शाफ्ट बी के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि यहाँ पे देखिए थीटा एंगल है, तो टेन थीटा जो है इक्वल टू वो होता है टेन फाई डॉट कोस अल्फा। ये हम निकाल चुके हैं पहले, जो हमने ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट की वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आया था। तो ये फॉर्मूला है ए और बी के लिए टेन थीटा टेन फाई कोस अल्फा। यहाँ पे थीटा था तो इसलिए यहाँ थीटा लिया। लेकिन अगर हम ड्रिवन शाफ्ट की बात करें तो यहाँ पे एंगल क्या है, गामा है, तो यहाँ पे टेन गामा आएगा, और ये जो है बिल्कुल सेम रहेगा टेन फाई कोस अल्फा। यानी कि अगर आप ड्राइविंग शाफ्ट के लिए लेंगे तो टेन थीटा यहाँ पे आएगा टेन फाई डॉट कोस अल्फा के बराबर। इसी तरह से अगर आप इस ड्रिवन शाफ्ट के लिए लेंगे तो टेन गामा आएगा टेन फाई डॉट कोस अल्फा के बराबर। ये इक्वेशन हम पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ से अगर आप देखें, ये देखिए ये इसके बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है, यानी कि यहाँ से क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू टेन गामा आ गया। यहाँ से ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ टेन थीटा इक्वल टू टेन गामा आ गया, यानी कि थीटा इक्वल टू किसके आ गया, गामा के आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा यानी कि जो ड्राइविंग शाफ्ट ने जो एंगल लिया था, और गामा जो है ड्राइविंग शाफ्ट का एंगल है, यानी कि ये बिल्कुल इक्वल है, सेम है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं, जो एंगुलर वेलोसिटी शाफ्ट ए की है वो एंगुलर वेलोसिटी जो शाफ्ट सी है उसके बिल्कुल बराबर होगी। इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के एंगल दोनों ही ने बराबर टर्न किया है। तो इस तरह से आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी रेशो ले सकते हैं ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के बीच में, अगर आप एक इंटरमीडिएट शाफ्ट का यूज़ कर लें। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो एक ही प्लेन में हों जो ये सारी शाफ्ट्स हैं, और दूसरा जो ये एंगल हैं ड्राइविंग और जो ड्रिवन शाफ्ट जो है एंगल बनाते हैं इंटरमीडिएट शाफ्ट के साथ, ये भी बराबर हों। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था डबल हुक जॉइंट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।